ड्रग्स का मामला। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर सामने आया है रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। केंद्र, प्रसार भारती और प्रेस परिषद जल्द ले सकती है फैसला। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया है। वही ड्रग्स मामले में मीडिया में नाम आने के बाद रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने रकुल प्रीत की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रसारण रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और प्रसार भारती और प्रेस परिषद से अभिनेत्री रकुल की याचिका को मानते हुए जल्द से फैसला लेने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों में मीडिया को संयम बरतना होगा। रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उनका नाम लेने से रोका जाए। दरअसल एनसीबी ने बताया कि ड्रग्स मामले में रिया ने रकुल प्रीत सिंह का और सारा अली खान का और डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम लिया है। एनसीबी ने बताया है कि इसका नाम तो आ गया है, लेकिन अभी तक इन्हें सम्मन नहीं भेजा गया है। एजेंसी ने शनिवार को मुंबई और गोवा के कई जगहों पर छापेमारी की, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बांदा के रहने वाले करमजीत सिंह, आनंद और केजे को भी मुंबई स्थित एनसीबी के दफ्तर में बुलाया गया था पूछताछ के लिए, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिया के अलावा उसके भाई सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के अलावा और 6 बाकी लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 6 कथित ड्रग पैडलर भी अरेस्ट हो चुके हैं। रिया और उसके भाई शौविक को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिरांडा, दीपेश सावंत और बासित परिहार भी इसमें शामिल हैं। 214 जून को सुशांत ने अपने घर में सुसाइड कर लिया था, ऐसी खबरें आई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।